थोड़ा सा रिवाइज कर लेते जो कि आपने अब तक पढ़ा लिया। करे नो शब्द हुआ अकाई किसका, करे नो शब्द हुआ अकाई किसका, सॉरी जी पूरा जुमला बोलिए। हाई हाई करे नो शत्सुवा अकाई दिस, ठीक है। करे नो जाके तो वा शिरोई दिस का, करे नो जाके तो वा शिरोई दिस का, जी जोर से बोलिए जी। लेकिन ये लाल जैकेट पहने हुए, करे नो जाके तो वा शिरोई दिस का, जी पहले आप नेगेट करेंगे ना, पहले आप हमेशा नेगेट करते हैं जी। जी क्या कहा मैंने, करे नो जाके तो वा शिरोई दिस का, है नहीं मैं एलियन हूँ जी। करे नो जाके तो वा शिरोई दिस का, शिरोकु पूरा जुमला जोर से बोलिए। करे वा नो, नो करे नो जैकेट वा, हाँ शिरो, शिरोई कहते हैं वाइट को जी। ई ए करे नो जाके तो वा शिरोकु नाई दिस, क्या मतलब हुआ, करे नो जैकेट तो उसकी जैकेट शिरोकु नाई दिस वाइट नहीं है, क्या हो गया है। जैकेट तो जो है कताकाना में लिखी जाएगी, देखें कितने ज़हीन आदमी ने बता दिया। जैकेट तो जो है क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है तो हम जैकेट तो कैसे लिखेंगे, जा के तो, जैकेट तो का मतलब क्या हो गया जैकेट, ठीक है। हमने क्या पूछा, करे नो जैकेट तो वा शिरोई दिसका, तो इन्होंने कहा ई ए करे नो जैकेट तो वा शिरोकु नाई दिस, फिर क्या कहेंगे इसकी जैकेट लाल है, कैसे कहेंगे, करे नो जैकेट तो वा अकाई दिस, बिल्कुल ठीक है। वतशिनो जुबों वा मिजिकाई दिस का, वतशिनो जुबों वा मिजिकाई दिस का, नगाई दिस का, दो दिस का। जुबोन कहते हैं किसको कहते हैं, पतलून को, जी लखन कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल में, एक मिनट आपको मैं डिस्कनेक्ट करके पहले फरहान को लेता हूँ फिर आपको लेता हूँ। हाँ जी क्या कह रहे हैं आप, जुबान को भी कताकाना में लिखते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों, अब जुबान किसी और लैंग्वेज से लिया है वर्ड जी। फरहान क्या हुआ, मैं आपको कॉल करता हूँ तो आप उठाते नहीं हैं, हेलो अब आप बोलेंगे नहीं, देखें फरहान आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आपके माइक में प्रॉब्लम है फरहान, अब आपको आवाज़ आ रही मेरी, क्या प्रॉब्लम क्या थी, आपके माइक में प्रॉब्लम थी। हाँ हेडफोन निकाल लीजिए क्योंकि आपके हेडफोन में प्रॉब्लम है, आपको आवाज़ नहीं आती मेरी जब, ओ सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आती, तो मुझे लगता है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिर आप काट के बार बार काट के जो है वो कनेक्ट करते हैं। जुबोन ये कताकाना में जू लिखा हुआ है, सू के ऊपर दो नुक्ते लगा दिए जू हो गया, हो के ऊपर तैन तैन लगा दिया बो हो गया उन, जुबोन। अब क्या पूछा मैंने, वतशिनो जुबोंग वा मिजिकाई दिस का नागाई दिस का, क्या मतलब हुआ जी लखन आप बताइए, वतशिनो जुबोंग वा मिजिकाई दिस का नागाई दिस का, हाँ हाँ जी। कोई चीज़ लंबी या छोटी पूछना हो तो वतशिनो जुबोन वा मिजिकाई दिस का, मेरी पतलून छोटी है क्या नगाई दिस का। जब हमें दो चीज़ें पूछनी होती तो हम कहते हैं क्या मेरी पतलून लंबी है या छोटी, हम बीच में या लगाते हैं, जापानी सिंपली का लगा देता है, वतशिनो जुबोन वा मिजिकाई दिस का नगाई दिस का, ठीक है। क्या अजान हो रही है क्या, हॉल में कुछ चल, ठीक।
क्या बात हो रही थी? तो मैंने क्या पूछा, वताशी नो जुबोंगवा मिजिकाई दिसका नगाई दिसका मेरी पतलून महंगी और सस्ती। ओके, नागाई, नागाई का मतलब है लंबी, लेंथ में लंबा होना नागाई, और इसका ऑपोजिट है मेजिकाई, इसका हंताई है मेजिकाई, हंताई बोले तो ऑपोजिट, ठीक है। मेजिकाई का मतलब है लंबाई में कम, यानी छोटी या छोटा, और नगाई का मतलब है लंबा। मेरी पतलून लंबी है क्या? पता नहीं जुबा नगाई दिसका छोटी है क्या? मिजिकाई दिसका जी वताशिनो जुबा हुआ लंबी का नगाई आएगा, मिजिकाई का शॉर्ट आएगा, छोटी है। आप क्या कहते हैं? लंबी का ना गा ई, सॉरी पैंट का बोल रहे हैं ना जी, मैं पैंट की बात कर रहा हूँ, छोटी का मिजिकाई लॉन्ग का नगाई जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वताशिनो जुबा हुआ नगाई दिसका मिजिकाई दिसका, आप क्या लग रहा है? दाई जो बुद्धिशीन है दरमियानी, अभी दरमियानी का लफ्ज कहाँ से, दाई जो बुद्धिशीन है नगा कुमो नाई शी मिजिकाई मिजिका कुमो नाई देस। चलिए छोड़, गंभीर हो जाएगी बात, इसको ऐसे ही चल रहे थे। मिजिकाई थी मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही है, तो वो इसमें मेरा कसूर नहीं, दर्जी का कसूर, उससे पतलू पैंचे छोटे करने का उसने बहुत ज़्यादा ही छोटे कर, अब इसको थोड़ा सा नीचे करके पहननी पड़ेगी मुझे आप लोगों की तरह से, ठीक है। चलिए वताशी नो जुबा हुआ मिजिकाई दिस का, आप कहेंगे हाई मिजिकाई दिस, ठीक है। या अगर आप कहना चाह रहे हैं जी मिजिका लंबी शॉर्ट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आपकी पतलून छोटी नहीं है लंबाई में, छोटी अन्नतानो मिजिकाई हुआ जुबान जनाई दिस जी, बोली बोली मिजिका जनाई दिस, आप क्या कहते जी? दोबारा इनको एक मौका और देते हैं जी। अनातानो जुबान वा मिजी काकू नाई दिस, तुम्हारी पतलून छोटी नहीं है। नागाई जुबान वा दारे नो दिस का, नागाई जुबान वा दारे नो दिस का, हाँ किसकी पैंट लंबी है? नहीं ये तो पूछा ही नहीं मैंने, पता नहीं जाओ कहाँ से आप लोग मेरी जायदादें निकाल लेते हैं। मैं लंदन में गया, मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, आप लोग कहाँ से जी। नागाई जुबान व दारे नो दिस का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें, नागाई जुबान का क्या मतलब हो गया? लंबी पैंट, ख़त्म हो गई बात। नागाई जुबान व दारे नो दिस का लंबी पतलून किसकी है? आप क्या कहेंगे? करेनो देस, आई करेनो देस, करेनो जुबान वा नागाई देश, ठीक है। उनकी पतलून लंबी है, इन्होंने ज़बरदस्ती इसको थोड़ा सा चढ़ा के पहना हुआ है, लंबी वो मुझे पता है, ठीक है। तो देखें आप लोगों ने सीख तो लिया, ये एडजेक्टिव भी पूछूंगा सबको आते हैं, ना एडजेक्टिव पूछूंगा सबको आते हैं, लेकिन जब मैं कन्वर्सेशन करता हूँ तो सब हैरान हो जाते हैं। कन्वर्सेशन ही लैंग्वेज है, ठीक है जी। वोकेबलरी इतनी याद नहीं है, और वोकेबलरी ही लैंग्वेज है, इस वजह से इशू आता है, यही तो मेन इशू है, ठीक है। देखिए इन्होंने आज असल इशू बता दिया कि इशू क्या है, कि वोकेबलरी याद नहीं है, इतनी सी बात है, वरना तो सबको जापानी आ जाए। तो कोनो क्योशित्सुवा हीरोई दिस का सेमाई दिस का, कोनो क्योशित्सुवा हीरोई दिस का सेमाई दिस का क्या मतलब हुआ? सेमुई भी अच्छा है, लेकिन सेमाई सबसे अच्छा है। सेमाई का मतलब है तंग, नैरो, छोटा, और हीरोई का मतलब है कुशादा, वाइड, ठीक है। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, कोनो क्योशित्सु वा, क्योशित्सु बोले तो क्लासरूम, कोनो क्योशित्सु वा हीरोई दिस का सेमाई दिस का, आप क्या कहेंगे? कोनो क्योशित्सुवा सेमाई दिस, ये इतने चौड़े हैं कि इनको ये कमरा छोटा लगता है, कभी इधर फंस जाते हैं, इधर से उधर टकरा जाते हैं,
ठीक है। देखिए बात ये कंपैरिजन होता है, अगर एक आदमी लंबा चौड़ा है तो उसके लिए कमरा छोटा ही, अब मुझ जैसा आदमी है छोटा सा तो उसके लिए कमरा जो है बहुत बड़ा है, तो ये माशाल्लाह तो इनके लिए कमरा सेमाइदिस कोनो क्योशित सुवा सेमाइदिस। या अगर आप कहें नहीं ये कमरा तंग नहीं है छोटा नहीं है तो आप क्या कहेंगे, कोनो क्योशित सुवा सेमाकुनाइदिस। देखिए आता आप सब लोगों को है लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ है। क्योशित्सु ये तुसु का जो वर्ड है अभी तो आपको पढ़ाया, खांजी भी लिख के बताई सब कुछ किया, आप कहाँ थे उस वक्त, क्लासरूम में नहीं थे। हाँ कमरे का जिक्र नहीं कर रहा, कमरे की ही बात कर रहा हूँ मैं। जी जी कमरे को हया बोलते हैं लेकिन कुछ कमरे बड़े बेहया भी होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं क्योशित्सु के। देखिए हेया भी कहते हैं और बिल्कुल तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कोनो हेया। देखिए मैं आप लोगों का थोड़ा सा वो घबराया मत करें, नर्वस मत हुआ करें, मैं ऐसे जॉलीपन थोड़ा सा करता हूँ ताकि आप लोग थके ना। जापानी ज़ुबान बहुत टेंस लैंग्वेज है तो मैं थोड़ा सा उसमें मस्खरापन करने की कोशिश करता हूँ। हेया का मतलब भी कमरा है, क्योशित्सु का मतलब है पढ़ाई का कमरा यानी क्लासरूम। ठीक है क्योशित्सु का मतलब है क्लासरूम और आप सिंपली कमरा कह सकते हैं। ये कमरा जो है कोनो हेयावा हिरोइदिस, ये कमरा कुशादा है। ठीक है ये कमरा कुशादा नहीं है क्या हो जाएगा, जी ये कमरा कुशादा नहीं है जो दिल में आए बोले यार क्या लिखा हुआ नहीं ये क्या लिखा हो गया है तो फिर क्या हो जाएगा जी सेमू ही कोई लफ्ज नहीं है सेमाकु नहीं। ठीक है कोनो हे आवा हे या है हिया या कुछ और नहीं है हे या हे या। हे या का मतलब भी कमरा या रूम है और क्लास रूम जो है उसको कहते हैं क्योशित्सु। सोने के कमरों कहते हैं शिनशित्सु बेडरूम। ठीक है शिनशित्सु बेडरूम। ठीक है वॉशरूम को क्या कहते हैं, वॉशरूम को बहुत कुछ कहते हैं, ओते अराई भी कहते हैं, बेंजो भी कहते हैं और किचन को दाई दो कोरो कहते हैं, दाई दो कोरो। ठीक है बेंजो या ओते अराई या इंग्लिश का वर्ड है टॉयलेट तो टॉयलेट को क्या करते थे तोइरे तोइरे और बेंजो की इज्जत करते हैं तो ओ बेंजो कर देते हैं ओते अराई या ओ बेंजो तीनों का मतलब है वॉशरूम। ओते अराई ओ बेंजो या तोइरे तोइरे कहाँ से निकला टॉयलेट से, इंग्लिश का वर्ड है टॉयलेट तो क्योंकि वो लाम नहीं बोल सकते और टे नहीं बोल सकते तो वो टॉयलेट को वो तोइरे कर देते तोइरे 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 ओबेंजो या ओते अराई। दाई दो कोरो का मतलब है किचन। तो क्या बात हो रही थी, हाँ तो बात ये हो रही थी कि लैंग्वेज आप बहुत सी चीज़ें आपको आती हैं लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो आपके अंदर ही अंदर रह जाती हैं। शिनशित्सु बेडरूम। ठीक है शिनशित्सु का मतलब है बेडरूम। देख लिया सब ठीक है। अच्छा जी उसका कमरा, चलिए अब अगर मैं आपको उर्दू में जुमला बनाता हूँ फिर आप उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो जुमला बन जाता है, आपको आप समझते हैं कि आपको लैंग्वेज आ गई, ऐसे लैंग्वेज नहीं आती। लैंग्वेज आपने उसी वक्त, लैंग्वेज इज़ अ लाइव थिंग, मैथमेटिक्स नहीं है कि आपको मैंने फार्मूला बताया आपने उसे फार्मूले में अप्लाई किया कैलकुलेट किया और आपने रिजल्ट दे दिया। लैंग्वेज इज़ अ लाइव थिंग, फ़ौरन बोलनी है आप। ठीक है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओते अराई का मतलब है हाथ, अभी तो मैंने बताया यार आपको टॉयलेट वॉशरूम सबका एक ही मतलब है वॉशरूम। ओते अराई ओ बेंजो तोइरे बैतुल खला वॉशरूम रेस्ट रूम टॉयलेट जी टॉयलेट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो इसलिए ओ ते अराई ओ बेंजो।
जी तो ओबेंजोवा दो को दिसका, ओबेंजोवा दो को दिसका, ओबेंजो का मतलब नहीं, कितना बेचारा कितना मासूम कितना मजबूर इंसान है, ओबेंजो का मतलब ही नहीं पता इसको यार, ये क्या लिखवा रहा हूँ मैं, ये क्या लिखा है मैंने यार, ओ बेन जो क्या मतलब है इसका, वॉशरूम, ठीक है। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, ओबेंजो वा दो को दिसका, हाँ कौन सा है, ओबेंजो वा दो को दिसका, किसका है, ओ किसका, ओबेंजो वा दो को दिसका जी, ओ बेंजो वा अशोको दिस, बेंगोनी ओ बेंजो, ओ बेंजो वा अशोको दिस जी, ठीक है, ओ बेंजो वा अशोको दिस, ठीक है, या आप कह सकते हैं आपके सीधे हाथ पे, ओ बेंजो वा अनातानो मिगी गावा दिस, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, ओ बेंजो वा थोई दिस, बहुत दूर है आप जाते निकल जाएगा, ठीक है, कुछ आप जो दिल चाहे कहें मगर जापानी में कहें प्लीज़, अपना जापानी लैंग्वेज का रिमोट ऑन कर लें, ठीक है, अपना फेस जो है वो जापानी ज़ुबान पे कर दें, सू लगाते हैं लाल वाला सू, ये वाला, अच्छा दाल वाला सू, ठीक है, बड़ा सुअर है ये, क्योशित्सु, क्या सवाल, आप इसको कह रहे हैं सू, ये सू है, आज कोई नहीं कोई नहीं, ये सू है और ये क्या है, ये तुसु है, तो अगर हम ये लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कासु, और अगर ये लिखते हैं तो अब क्या हो जाएगा, कात्सु हो जाएगा जी, क्योंकि ये तुसु है इसलिए ये कात्सु हो जाएगा, इससे पहचाना जाएगा जी, क्लियर हुई बात, एक होता है मासु और एक होता है मात्सु, ठीक है, फर्क समझ आ गया तुसु में और सु में, चलिए तो सोरे वा दारे नो ईसु दिस का, सोरे वा दारे नो ईसु दिस का जी, सोरे वा दारे नो ईसु दिस का, क्या नाम है आपका, सलमान, हसन जी, सोरे वा दारे नो ईसु दिस का, अब वो देखे जा रहे हैं क्या कुछ इसका कुछ इस तरह इशारा करके सर ने कुछ कहा तो है जी, ये कुर्सी है कुछ ऐसा कहा है मैंने, हाँ जी आपको लखन समझ में आया जी, सोरे वा दारे नो ईसु दिस का, इसमें कौन से लफ्ज का मतलब नहीं पता आपको, वो कुर्सी किसकी है, वो कुर्सी किसकी, आप बैठे हुए आपकी हो गई, खत्म हो गई बस, चलिए बोलिए, सोरे वा जापान हाउस ईसु दिस, वो जापान हाउस कुर्सी है, सोरे वा जापान हाउस नो ईसु दिस, ठीक है, सोरे वा जापान हाउस नो ईसु दिस, बात समझ आ रही, चलिए करे वा दारे दिस का, करे वा दारे दिस का जी, जी जवाब दीजिए, करे वा अली नाम है इनका, करे वा क्यो, क्यो, करे वा क्योसु, क्यों स्टूडेंट, ओ करे वा स्टूडेंट कहें, हाँ जी वो स्टूडेंट है कैसे कहेंगे जी, वो स्टूडेंट है क्या कहेंगे, करे वा गाक से दिस, करे वा गाक से दिस, करे वा गाक से दिस, गाकु से ई, करे वा गाकु से दिस, लखन सा अनाता वा इमा दोको दिस का, वदशी वा इमा निहोन्नी इमा फरहान सा अनाता वा इमा दोको दिस का,
फरहान सा आना तवा इमा दो को दिसका फरहान है ऑनलाइन नहीं? अच्छा चलिए आना तवा दो को दिसका मैं वहाँ हूँ जहाँ से मुझको भी अपनी ही कुछ खबर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जी आना तवा इमा दो को दिसका वतशिवा इमा निहोंगो गाकु इन दिस या वतशिवा इमा ख्योशित्सु नी इमस, ठीक है, वतशिवा इमा ख्योशित्सु दिस मैं क्लासरूम में हूँ, ठीक है, या वतशिवा इमा कराची दिस मैं कराची में हूँ, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ कहें प्लीज़ बोलिए, कुछ तो बोलो कि लोग कहते हैं। जी करे नो होन वा फुतोई दिस का होसोई दिस का करे नो नो तो वा फुतोई दिस का होसोई दिस का उसुई दिस का फुतोई मोटा उसुई पतला थिन करे नो होन वा ओ सोई दिस दोबारा बोलिए करे नो होन वा उसोई दिस क्या लिखा वहाँ पे उसोई उसोई लिखा हुआ है फुतोई सॉरी फुतोई के नीचे क्या लिखा उसोई उसोई लिखा हुआ है उसोई दिस सु और सो में बहुत फर्क है ओसोई का मतलब है लेट ओसोई ओसोई दिस ओसोई दिस ओसोई और उसोई में बहुत फर्क है उसोई का मतलब है थिन पतला और फुतोई का मतलब है मोटा थिक थिक और थिन ठीक है करे नो होनवा फुतोई दिस का उसुई दिस का आपने कहा करे नो होनवा उसुई दिस उसुकु नाई दिस यो खरे नो नो तो वा फुतोई जनाए फुतोई दिस हो फुतोई दिस ने खोरे वा उसुकु नाई यो फुतोई दिस है करे उसुई ना नो फुतोई का मतलब है मोटी तो उसी को आज सुई भी कह सकते हैं बिल्कुल आज सुई भी कह सकते हैं बिल्कुल हाँ आज सुई भी कहते हैं जी आप ही समझ आया कुछ फुतोई आपको मोटी नहीं लग रही वो आप उसुई को मोटी समझ रहे मैंने यहाँ पे लिखा भी उसुई का मतलब है थिन और फुतोई के सामने मोटा लिखा हुआ कौन लोग हो यार तुम लोग कौन लोग हो कहाँ से आए हो कहते थे जिनके बच्चे अच्छे चोरिए नहीं वाकई कुछ हमारे कुछ ऐसे लोग हैं बल्कि कुछ ऐसे जाकरीन हैं कहते हैं हमारी मजलिस में जिनके बच्चे आते हैं वो हम मजलिस पढ़ते हैं चले जाते हैं पता नहीं चलता कौन थे कहाँ से आए थे क्या तो कुछ पता नहीं जिनके बच्चे पढ़ने आते हैं हाँ कुछ पता नहीं यार हमारी तरह रहते हैं वो और कुछ ऐसे हैं छुप के आते हैं कि पहचान ना लगे उनको ना तो वो अच्छा एनी ये समझ आ रही बात आपकी लैंग्वेज मीन्स टू बी एबल टू स्पीक बोलने की कोशिश करें ठीक है उसुई पतला और फुतोई मोटा ठीक है देखिए अभी आप देखें कि जो आदमी टैलेंटेड होता है मेहनत करके सीख लेता है वो कैसे चलता है कौनो है वह हीरो ही जिसका आना था ना ऊँची वा थोई दिसका चिकाई दिसका थोई दिसका नानजिकांग कुराई खकारी मस का ओताकु करा कोको मादे नानजिकांग गुराई खकारी मस का नान फुंक नाम पुंग खकारी मस का जूनी जुपुंग गुराई खकारी मस जूनी जूनी जुपुन जूनी जी जूनी जी क्या जी का क्या मतलब है जी का मतलब टाइम निजुपुंग खकारी मस फुन का मतलब है मिनट फुन का मतलब है मिनट ठीक है जिकान का मतलब है टाइम
ठीक है। ओताकू का मतलब आपका घर। ओताकू करा कोको मादे दोरे गुराई खकारी मस का, दोनों गुराई खकारी मस का आपके घर से यहाँ तक कितना टाइम लगता है, ठीक है। दोरे गुराई मतलब कितना अर्सा लग जाता है, दोनों गुराई दोरे गुराई खकारी मस का, दोरे गुराई खकारी मस का कितना तक, गुराई का मतलब तकरीबन। ओताकू करा कोको मादे दोरे गुराई खकारी मस का आपके घर से लेके यहाँ तक कितना टाइम लग जाता है। खकारू लगना, ये वर्ब है, जब आप लोग वर्ब पढ़ेंगे समझ आएगा। तो इन्होंने कहा निजुपुंग खकारी मस, निजुपुंग का मतलब है, निजू का मतलब है 20 और फुन का मतलब है मिनट, और जब निजुप हो जाता है तो पुन बन जाता है, ठीक है, 20 मिनट। इन्होंने कहा निजुपुंग खकारी मस 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम कल पढ़ चुके हैं कि जी और जिकान में फ़र्क पढ़ चुके हैं हम कल, चलिए आज हम पढ़ लेते हैं। एक का क्या मतलब, एक को क्या कहते हैं, इची। पढ़ा पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है ना, फिर अभी तो कह रहे हैं पढ़ा है, टाइम पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा, ये क्या लिखा हुआ है, इची जी। इची का मतलब है एक, जी का मतलब है बजे, एक बजे, जी का मतलब है बजे, ठीक है। और इची जी कान का क्या मतलब है, इची जी कान, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, हाँ जी फरमाइए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या पहनेंगे, हाँ हाँ पहना हुआ मैंने, चलो ठीक है, खुदा हाफिज़ हैं, क्यों जूते हैं आपके पास, हैं, हाँ। इची जी का मतलब एक बजे और इची जिकांग का मतलब है एक घंटा, ठीक है। इची जी एक बजे, इची जिकांग एक घंटा। इसी तरह नीजी दो बजे, तीन बजे क्या हो जाएगा सांजी, चार बजे क्या हो जाएगा, अब जो डिफरेंट है वो लिखवा रहा हूँ मैं, बाकी आपको पता है कि गिनती के साथ जी जी लगा देना। चार बजे को क्या कहेंगे, चार को कहते हैं योन या शी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहेंगे यो, यो जी, इची जी कान लिखा हुआ, बिल्कुल इची जी कान लिखा हुआ है, इची जी कान, इची जी कान का मतलब है एक घंटा और इची जी का मतलब है एक बजे। वता शिवा इची जी करा सांजी मादे बैंक्यो शिमस, वता शिवा इची जी करा सांजी मादे बैंक्यो शिमस क्या मतलब हुआ, मैं एक बजे से लेके तीन बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मादे का मतलब है तक, करा का मतलब है से। वता शिवा इची जी करा सांजी मादे बैंक्यो शिमस क्या मतलब होगा, मैं एक बजे से तीन बजे तक पढ़ाई करता हूँ, तो मैं कितने कितने घंटे पढ़ाई करता हूँ, बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, है दो घंटे, नी कान, नी कान क्या चीज, नी जिकान, वता शिवा नी जिकान बैंक्यो शिमस, वता शिवा नी जिकान बैंक्यो शिमस, ठीक है। तो ये समझ आ गई बात, यहाँ क्या हो जाएगा, चार बजे योजी और चार घंटे क्या हो जाएगा, यो जिकान, ठीक है। अच्छा पाँच बजे गोजी, पाँच घंटे गोजिकान, छः घंटे रोकुजी, सॉरी छः बजे रोकुजी, छः घंटे रोकुजिकान, सात बजे क्या कहेंगे, सात बजे शिची जी, ठीक है, यहाँ पे इसको कर देंगे शिची और ये हो जाएगा जी शिची जी, और सात घंटे क्या हो जाएगा, शिची जी कान, बात समझ आ रही, शिची जी या शिची जी कान। आठ बजे क्या कहेंगे, हा 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 भी अच्छा, हाची जी,
और चार आठ घंटे को क्या कहेंगे? हाची जिकान। 9 बजे को क्या कहेंगे? 9 बजे को कहेंगे कूजी। ठीक है, गिनती में 9 को क्यू कहते हैं, लेकिन दो जगह क्यू जो है वो कू पढ़ा जाता है। कहाँ कहाँ? सितंबर के महीने को क्या कहते हैं? कू गात्सु। और 9 बजे को कहेंगे कू जी, 9 बजे। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा? कुजिकान। कुजिकान का मतलब है 9 घंटे। कुगात्सु, ओके, कुगात्सु नहीं पता आपको। महीनों के नाम में क्या करते हैं? जनवरी इचिगात्सु, फरवरी नीगात्सु, मार्च सांगात्सु, जी कुगात्सु। साल को नैन भी बोलते हैं, थोशी भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझा रही बात आपको? अब जी और जिकान में फर्क समझ आ गया। ठीक है, कराची करा लाहौर मादेवा नान जिकान देश का, कराची करा लाहौर मादे देनशा दे नान जिकान देश का। देनशा मतलब ट्रेन से कितने घंटे हैं? कराची से लाहौर तक ट्रेन से कितने घंटे जी? कराची से लाहौर तक कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे, 12 घंटे, चलें कुछ भी कहते हैं। अब नहीं गए तो फिर तो आप कुछ भी कहते हैं, 12 कहते हैं। चलिए चलिए, आप कहते हैं कराची से लाहौर तक 12 घंटे हैं। कराची वाह करा कराची वाह जू नीची नू जू नीची जी हान। क्या पूरा जुमला बोलें? कराची से लाहौर तक 12 घंटे लगते हैं, कराची से लाहौर तक 12 घंटे होते हैं। मैं कुछ भी कह रहा हूँ अपना जू नीची कराची करा लाहौर मादे जू नी जी कान दिस देंशा दे जू नी जी कान दिस। मादे के बाद लगा सकते हैं, कराची करा लाहौर मादेवा जूनी जी कांग खकारी मस। खकारी मस अभी आपने पढ़ा नहीं है, वर्ब है, तो हम दिस लगा दें सिंपल। कराची करा लाहौर मादेवा जूनी जी कांग दिस, कराची से लाहौर तक 12 घंटे होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? घबरा तो नहीं गए? हाँ जी, आप ही समझ आ रहा है? कुछ रेस्ट ले लें हम। लखन आप ही समझ कुछ आया? तो आज जो है फिर इसको यहीं तक रखते हैं, कल हम देखते हैं कि क्या करना है। कल आप पढ़ के आएँ ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब सारे, कल से मुराद जब भी आप आएंगे, कल का मतलब मंडे। ठीक है, तो मंडे को आप लोग ऊ पे ख़त्म होने वाले सारे वर्ब्स की रिहर्सल करके आएँ और हम प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब कौन कौन से हैं? उचकाऊ, नराऊ, काऊ, हराऊ, वराऊ, अराऊ, आऊ, काऊ। बिल्कुल मिल जाए। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलते हैं मंडे को। कोशिश करें लखन बोला करें, खुद से बोलें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे आप लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद।